हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार वाटर हीटर जो कि बहुत ही कम बिजली कंजप्शन करेगा, क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं आयरन की एलिमेंट के द्वारा। जो कपड़े प्रेस करने वाली आयरन आती है उसके एलिमेंट के द्वारा, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि कितनी कम बिजली कंजप्शन होगी, क्योंकि यार ये आयरन की एलिमेंट आती है 750 वाट की और जो वाटर हीटर का एलिमेंट आता है वो आता है 2000 वाट तक का। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेंगे 110 mm की इस तरह की एंड केप, जो कि लगभग 4.5 इंच की आती है और ये वैसे सैनिटरी शॉप से मिल जाती है, और अगर आपके पास स्क्रेप पड़ी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं ले, कुछ और चीज़ ले ले, तो वो भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, ये मैंने उसी PVC पाइप का एक टुकड़ा ले लिया है जो कि 4.5 इंच का है और 9.5 सेंटीमीटर लंबा। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वो आयरन एलिमेंट जो कि 750 वाट का है और इसको हम फिक्स करेंगे इस एंड केप के अंदर। और ये जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इसका थर्मोस्टेट। इसके द्वारा हम इस एलिमेंट का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमें पानी कितना गर्म करना है ये हम इसके द्वारा कर सकते हैं। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है नॉब जो कि इस थर्मोस्टेट पे लगाकर हम इसको सेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इस नॉब के द्वारा। तो चलिए मैं आपको इन तीनों की रेट बता देता हूँ। ये जो एलिमेंट है ये 30 रुपये का पड़ा है और इसका जो थर्मोस्टेट है वो भी 30 रुपये का पड़ा है। इसके अलावा जो नॉब है वो 5 रुपये की है। तो ये जो सारा सामान है ये आपको इलेक्ट्रिक शॉप पर मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से नहीं, इलेक्ट्रिक शॉप पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर बार की तरह यहाँ पर भी मैं एक सवाल करूँगा और जिसका सही जवाब आएगा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में, तो उसके कमेंट को मैं पिन करूँगा इस वीडियो के पब्लिश के 3 दिन बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। गेम खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंजो पे गेम खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, शिप बैटल जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसी स्किल वैसे गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों का कैश रिवार्ड्स। और डायरेक्ट विड्रो करो पेटीएम, UPI या बैंक में। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफाल्ट, माइनक्राफ्ट और फ्री फायर गेम्स की करेंसीज। सबसे सस्ते दाम पर बिग बाजार, डोमिनोज, महिंद्र, हॉटस्टार, गाना जैसे कई ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवार्ड्स रोजाना, और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रेक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट 25 लाख तक के। अब विंजो पर इतना कुछ है क्या बताऊं, विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो एंड केप थी उसके अंदर हमने ये PVC पाइप का टुकड़ा इस तरह से फिक्स कर दिया है PVC सॉल्वेंट लगा के। ठीक है फ्रेंड्स, और अब यहां पर ये जो एलिमेंट है इसको हम फिक्स करेंगे, तो इसके लिए हम यहां पर मार्क कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक इसी PVC की एंड प्लग लेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह 1.25 इंच का पाइप भी ले सकते हैं। तो इसके आगे इस तरह से डार्ट आती है, इसको हमने हटा लिया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चाहे तो कुछ और चीज़ भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आप इसकी जगह चाहे तो 1.25 इंच का पाइप भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर मार्क करके होल कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो छेद हमने किए हैं ये एलिमेंट को लगाने के लिए किए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम PVC सॉल्वेंट लगा देते हैं पहले, और अब हम यहाँ पर इस एलिमेंट को लगा लेंगे इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी PVC सॉल्वेंट लगा लेते हैं सेफ्टी के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर MCL का भी यूज कर सकते हैं नीचे की साइड के अंदर, यानी अंदर की साइड के अंदर। और फ्रेंड्स, जहाँ पर हम ये नट कस रहे हैं वहाँ पर एलिमेंट बिल्कुल भी हीट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो देख सकते हैं हमने अंदर की साइड में भी ये सॉल्वेंट लगा दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये जो थर्मोस्टेट है ये इस तरह से काम करेगा, अगर यहाँ पर ये जो बीच वाली पत्ती है ये सीधी रहेगी तभी ये काम कर पाएगा। तो इसको भी हमें अच्छे से फिक्स करना है। ये देखिए, हमें ये सीधी रख के यहाँ पर काम करवाना है, तो इसको हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये जो दूसरी वाली एंड केप है इसको भी हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये जो इंस्टेंट गीजर है इसकी लंबाई है 6 इंच, तो 6 इंच कम नहीं है फ्रेंड्स, बहुत काम की चीज़ है। कहाँ सोच रहे हो यार, मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो इंस्टेंट वाटर हीटर है हाथों हाथ गर्म पानी देगा, तो इतने से में भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम हो जाएगा। और जैसा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से हमने छेद कर लिया है एक और 1.5 इंच के पाइप के लिए जो कि हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके अंदर जो भी कचरा वगैरह है उसको हम साफ कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने छेद किया है तो उसकी छीलन वगैरह तो अंदर की साइड में गई हुई होगी। तो चलिए यहाँ पर एक और एंड कैप ले लेते हैं जो कि 75 mm की है, और यहाँ पर मैं इस तरह से मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर इसको कट कर लूँगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लेंगे हम एक AC इंडिकेटर, क्योंकि यार हम यहाँ पर वाटर हीटर बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर इंडिकेटर तो ज़रूर लगाना है। तो चलिए यहाँ पर हम इंडिकेटर के लिए जगह बना लेते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नॉब भी लगेगी जो कि थर्मोस्टेट के द्वारा हीटिंग एलिमेंट को कंट्रोल करेगी, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर जगह बना लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये सारे छेद मैनुअल भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं टाइम बचाने के लिए टूल्स के द्वारा कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं इंडिकेटर को इस तरह से लगा दिया हूँ, और यहाँ पर ये जो थर्मोस्टेट है इसको लगाएंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। बहुत ही इजी कनेक्शन है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ले लिया है एक पावर कॉर्ड जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, और यहाँ पर हम इसके लिए भी जगह बना लेते हैं, यानी इसके लिए भी यहाँ पर होल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पावर कॉर्ड को अंदर की साइड में इस तरह से जिपटाई से बांध दिया है ताकि यहाँ पर ये बाहर ना निकले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलिमेंट के दोनों टर्मिनल है वहाँ पर भी हम M-seal लगा देंगे, और यहाँ पर इस तरीके से वाशर हमने लगा दिया है, देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस तरीके से ये डिसोल्डर वायर या फिर कोई भी वायर छील के इस थर्मोस्टेट को यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से इस थर्मोस्टेट को फिक्स करते हैं। फ्रेंड्स जो आयरन आती है, जो प्रेस आती है, उसका जो थर्मोस्टेट है वो इसी तरीके से वर्किंग करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो प्रीसेट है वो किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये जो थर्मोस्टेट है इस तरीके से काम करेगा इस वाटर हीटर के अंदर। तो चलिए यहाँ पर हम थर्मोस्टेट को M-seal के द्वारा और अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने थर्मोस्टेट को बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूती से फिक्स कर दिया है, तो हमारा ये जो थर्मोस्टेट है इस तरीके से वर्किंग करेगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके कनेक्शन बहुत ही इजी है, तो थर्मोस्टेट की एक लेग हम एलिमेंट की एक टर्मिनल के साथ में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, साथ ही इंडिकेटर का एक वायर भी उसी टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब जो इंडिकेटर का दूसरा वायर है हीटिंग एलिमेंट के दूसरे टर्मिनल पे इस तरह से लगा देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बारी है इस पावर कॉर्ड की, तो पावर कॉर्ड के अंदर ब्लैक और रेड वायर न्यूट्रल और फेस है, और जो ग्रीन वाला वायर है वो अर्थ है। तो यहाँ पर हमने पावर कॉर्ड के ब्लैक वाले वायर को इंडिकेटर के दूसरे वायर के साथ में हीटिंग एलिमेंट के दूसरे टर्मिनल पे इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये थर्मोस्टेट की पत्ती है इसको हमने कट कर दिया है, क्योंकि यार ये थोड़ी सी लंबी थी, तो यहाँ पर जो रेड वाला वायर है इसी के साथ में हमने कनेक्ट कर दिया है, और जो पावर कॉर्ड का ग्रीन वाला वायर है यानी अर्थ इसको हमने थर्मोस्टेट की पूरी बॉडी के साथ में इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो इंस्टेंट वाटर हीटर है पूरी तरह से सेफ है, यानी अब इसके अंदर कोई भी शॉक वगैरह नहीं लग पाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स अब ये जो नॉब है
इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे, बिल्कुल आसानी से ये लग जाएगी जैसे कि आयरन प्रेस के अंदर लगती है। तो चलिए यहाँ पर जो ये ऊपर वाली एंड कैप है इसको भी हम चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फेविबॉन्ड के द्वारा चिपकाएंगे ताकि यहाँ पर इस सर्किट को हम चाहे जब खोल भी सके, यानी हम इसको परमानेंट नहीं चिपकाएंगे। अब ये जो CPVC एंड प्लग हमने लिया था इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से लगा लेंगे, यहाँ पर हम इसको बहुत ही मजबूती के साथ में चिपकाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको CPVC सॉल्वेंट के द्वारा अच्छे से चिपका लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो पूरी बॉडी है इसकी इस तरह से चिपकाई है कि कहीं से भी ये पानी को लीकेज नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर एक CPVC 1/4 इंच का पाइप का टुकड़ा लेंगे। ये मैंने 2 इंच लंबा लिया है, आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना लंबा ले सकते हैं। और इसको लगाएंगे हम ऊपर वाले होल के अंदर, यानी ये जो दोनों होल हमने किए हैं ये 1/4 इंच की साइज के अनुसार ही किए हैं। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाली पाइप है इसको हम बहुत ही मजबूती के साथ में चिपकाएंगे, तो पहले हमने इसको PVC सॉल्वेंट के द्वारा चिपका लिया था और अब यहाँ पर हम चिपका रहे हैं MCL के द्वारा। क्योंकि फ्रेंड्स हम चाहे तो इस पाइप को डायरेक्ट टोटी की जगह कस सकते हैं, यानी ये एक वाल के द्वारा कंट्रोल हो सकता है। तो चलिए मैं इसको 220 वोल्ट AC के अंदर लगा के पावर चेक कर लेता हूँ और यहाँ पर यह किस तरह से वर्किंग करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बाद में हम करेंगे इसकी अच्छे से टेस्टिंग। तो यहाँ पर यह उसी हिसाब से काम करेगा जिस हिसाब से आयरन प्रेस काम करती है। जितना हमें गर्म करना है, जैसे सूती कपड़े पे प्रेस करनी होती है तो अलग हीटिंग की जरूरत पड़ती है, नाइलॉन और सिल्क पर अलग हीटिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर इस इंस्टेंट गीजर के अंदर हाई या लो टेम्परेचर रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो MCL है उसको हमने सैंड पेपर के द्वारा इस तरह से खींच दिया है ताकि वो अलग से ना दिखे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह की लोहे की मजबूत पत्ती लेके दीवार पे फिक्स करेंगे और फिर कराऊंगा आपको इसकी अच्छे से टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स आज का सवाल यह है कि हमने थर्मोस्टेट को किस वायर के साथ में अच्छे से फिक्स किया था। पहला है कॉपर वायर, दूसरा है सोल्डरिंग वायर, तीसरा है डिसोल्डरिंग वायर। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस इंस्टेंट गीजर को इस तरह से लगा दिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले भी कई वीडियो के अंदर यहाँ पर इस तरह के इंस्टेंट गीजर बना के और आपको चेक कराया हुआ हूँ, तो आप देख सकते हैं इसको भी मैंने इस तरह से लगा दिया है और यहाँ से हम पानी लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इसका टेम्परेचर भी चेक करवा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने चालू कर लिया है और अब आप यहाँ पर टेम्परेचर देख सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका जो टेम्परेचर है पानी का वो अभी फ़िलहाल ये है। वैसे यहाँ पर मैं पानी को वेस्टेज नहीं कर रहा हूँ, पर्स के पाइप के द्वारा ये पौधों की तरफ जा रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना ठंडा यहाँ पर यह पानी आ रहा है इस नल से। 16 डिग्री सेल्सियस के लगभग यहाँ पर यह पानी आ रहा है इस नल से और अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस पाइप को इस तरह से लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, और इसका जो दूसरा मुंह है इसको हम लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पानी चालू कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पानी को चालू कर दिया है लेकिन अभी पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको यहाँ पर चालू कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इसके अंदर लाइट आ गई है और इसके द्वारा हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम जितना चाहे उतना इसको गर्म कर सकते हैं, जितना हमें पानी गर्म करना है उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर टेम्परेचर, इसको अभी मैंने खोला नहीं है क्योंकि अभी शुरुआत है, तो एलिमेंट इसके अंदर गर्म हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस इंस्टेंट गीजर को हाथ वगैरह धोने और बर्तन धोने में काम में ले सकते हैं, साथ ही साथ हम इसको नहाने के भी काम में ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको इसका टेम्परेचर चेक करवाता हूँ कि अब यहाँ पर कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ये गर्म पानी आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर इस तरह से आ रहा है। मैं उसको और तेज कर देता हूँ। ज़्यादा तेज हो गया है यार, तो आप देख सकते हैं 34-36 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर तापमान पहुँच गया है, बहुत गर्म हो गया है यार। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तेज कर दिया है
और अब आप देख सकते हैं पानी का टेम्परेचर फ्रेंड्स यहाँ पर 43.8 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 46 हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमने सेट कर रखा है और यहाँ पर देखिए धुआं भी उठ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 51.2 और बहुत ही तेज़ी के साथ में यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है फ्रेंड्स। यार मज़ा आ गया, बहुत चढ़ गया यार मैं तो, देख सकते हैं यानी 55। यार एक मिनट दूर से करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हीट है पानी की। 57.2 58 डिग्री सेल्सियस। अरे यार भाई बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो गया है यार इसका तो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं और ये देखिए लाइट यहाँ पर हम इस तरह से ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी जब हम ये देखिए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि पानी हम जितना चाहे उस हिसाब से सेट करके इसको यहाँ पर पानी को उतना गर्म कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी बहुत ज़्यादा हीट आ रहा है फ्रेंड्स। और ये देखिए जो बाल्टी है वो आधी बाल्टी यहाँ पर भर चुकी है। और अगर आपको यहाँ पर धुआं दिख रही है तो क्योंकि यार मुझे यहाँ पर जो वाइट दीवार है हो सकता है आपको धुआं नहीं दिखे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पानी भी हीट आ रहा है और जो धुआं है वो भी अच्छी तरीके से उठ रही है। मज़ा आ गया यार। और ये देखिए फ्रेंड्स ऑटोमेटिक यहाँ पर जो लाइट है वो चालू हो गई है, यानी जैसे ही इसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है जैसे ही वो थोड़ा बहुत भी ठंडा होगा तो वापस से यहाँ पर जो पानी है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आधी बाल्टी से ज़्यादा यहाँ पर पानी भर चुका है, यानी हम हाथ धोने के साथ साथ बर्तन वगैरह भी इससे धो सकते हैं, साथ ही हम इसके द्वारा नहा भी सकते हैं क्योंकि यार आधी बाल्टी यहाँ पर पानी भर चुकी है और वो भी हाथों हाथ यहाँ पर पानी आ रहा है। तो शानदार चीज़ है यार, देखिए यार बहुत ज़्यादा मतलब हीट हो रहा है पानी। तो ये देखिए आधी बाल्टी से ज़्यादा यहाँ पर पानी भर चुका है। तो चलिए मैं आपको इसका भी टेम्परेचर आपको चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हीट है यार पानी। तो 58.58 डिग्री सेल्सियस के लगभग यहाँ पर पानी जो है हीट आ रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि इस पानी को हम किस तरह से यूज में ले सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो पानी है गर्म आ रहा है। तो यार फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।